जिला यमुनानगर में CIA 1 की टीम ने बीती रात बड़ी कामयाबी और बड़ी कार्यवाही के चलते 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो जिला यमुनानगर में लंबे अरसे से स्नैचिंग की वारदाताओं को अंजाम दे रहे थे। जी हां, इस समय की तमाम तस्वीरें हम आपको CIA 1 से दिखा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि विश्वकर्मा चौक पर CIA 1 ने तीनों आरोपियों की जो है गिरफ्तारी की है। तीनों आरोपी एक बार फिर से स्नैचिंग की वारदाताओं को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही टीम को सूचना मिलती है तो गुप्त सूचना के आधार पर टीमें गठित की जाती हैं और मौके सिर जो है इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है। जी हां, तीनों आरोपियों में से 2 आरोपी ससौली माजरी के रहने वाले हैं और 1 आरोपी जो है वो जिला यमुनानगर का ही विष्णुनगर का रहने वाला है। जी हां, एक आरोपी युवक की बाइक का जो है लगातार इन स्नैचिंग के मामलों में जो है इस्तेमाल किया जा रहा था और मौके सहित जो है बाइक भी जो है बरामद कर ली जाती है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे पहले इन्होंने यमुनानगर के प्रेमनगर में जो है एक स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। एक महिला फोन पर बात कर रही थी और वहां पर जाते हुए इन्होंने महिला का फोन जो है झपट्टा मारा उस पर और उसके बाद मौके से जो है 9:11 हो जाते हैं और उसके बाद संतपुरा छोटी लाइन पर पैदल जा रहे एक युवक जो फोन पर बात कर रहा था उसका फोन पर झपट्टा मारकर मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं और उसके कुछ दिनों बाद ही यमुनानगर बस स्टैंड के पास जो है एक युवक का फोन छीन लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं लगातार इस तरह की वारदाताओं को अंजाम दे रहे थे और लंबे अरसे से लगातार इस तरह की घटनाओं को लगातार चरम सीमा पर पहुंचाने का जो काम है इन तीनों युवकों के द्वारा किया जा रहा था। मौके पर तीनों युवकों की बाइक सहित गिरफ्तारी हो चुकी है। CIA 1 से इस समय की तमाम तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में आए दिन चोरी और स्नैचिंग के जो ये मामले हैं ये सिलसिला लगातार जारी है। टीमें लगातार इस तरह के मामलों को खत्म करने के प्रयास में जुटी हुई हैं, लेकिन जहां पर सिलसिला कम होना चाहिए और भी ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। लंबे अरसे से स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने में जुटे हुए थे, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। CIA 1 लगातार समाज से ऐसे स्नैचरों को, ऐसे चोरी करने वाले जो आरोपी हैं उनको पकड़ने में दिन रात जुटी है, जिनमें सफलता भी मिल रही है। आप लोगों से अपील की जाती है, अपने आसपास कहीं पर भी अपराध होता देख रहे हैं तो इसकी सूचना जिला पुलिस प्रशासन को जरूर दें। जी हां, ताकि आने वाले समय में प्रशासन और आपके सहयोग से समाज में जागरूकता आ सके और वो तभी मुमकिन है जब आप लोग आगे बढ़कर पुलिस का साथ देंगे। तमाम मामले की जानकारी के लिए CIA 1 के इंचार्ज राकेश राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार पूरा मामला उनसे जरूर जानेंगे। तो आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को शेयर करें और पूरे मामले की जानकारी के लिए हमारे साथ यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल पर लाइव बने रहे। किन मामलों पर या क्या कुछ वारदात का खुलासा हुआ? देखिए, लगातार ये स्नैचिंग की वारदात काफ़ी बढ़ रही थी तो दिनांक 11/1 को लगातार 2 स्नैचिंग हुई थी 15 मिनट के अंतराल पर। उसमें 3 लड़के थे, उन तीनों लड़कों को हमने कर लिया है, राउंड अप कर लिया है और तीनों से हमने 2 वारदातों का खुलासा किया। उन दोनों मान ली हैं और दोनों के फ़ोन बरामद कर लिए। और कितनी वारदातें हुई हैं? उसके अलावा एक और वारदात का खुलासा हुआ है, उसमें अभी हम जांच जारी कर रहे हैं और अभी उसमें पूछताछ जारी है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं व्यक्ति? इसमें 2 लड़के रवि और प्रिंस जो है ससौली माजरी के रहने वाले हैं, दोनों पड़ोसी हैं। और एक ये लड़का है पंकज राणा जो ये खालसा स्कूल के पीछे फर्क कर रहने वाला है। सर, इन्होंने कोई घर में भी चोरी की थी और सारी स्नैचिंग ही? नहीं, इनके ऊपर पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और कोई पहली बार इन्होंने किया था। सर, कारण क्या है स्नैचिंग का? स्नैचिंग का कारण यही है कि नशे के आदी हैं और नशे की लत की वजह से उन्होंने ये स्नैचिंग की है। किसकी बाइक पे वारदात को अंजाम दिया? ये प्रिंस था लड़का जो, जिसके पास ये स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है ब्लैक कलर की, उसकी ऊपर बैठ के तीनों लड़के उस दिन इन्होंने दोनों फोन स्नैच किए। बिना नंबर प्लेट की बाइक? हाँ, बिना नंबर प्लेट। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, स्नैचेस की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, उन लोगों तक क्या कुछ कहना है और लोगों को किस तरीके से सावधानी देना चाहेंगे कि वो किस तरह की सावधानी रखें? देखिए, ये जो नशे का चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसी के चलते ये स्नैचिंग की वारदात लगातार बढ़ रही है। तो इसमें हम आम आजन से यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने नवयुवकों को खेल से जोड़ें और उनको खेल के प्रति प्रोत्साहित करें और नशे से दूर रखें। यही एक जरिया है कि इनको इस तरह से बचाया जा सके। सर, कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है अभी? हाँ, अभी इसमें एक वारदात का और खुलासा हुआ है, उसको हम अभी उसकी जांच कर रहे हैं। उसमें क्या है?
सकते हैं कि तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो जिला यमुनानगर में लंबे अरसे से स्नैचिंग की वारदाताओं को अंजाम दे रहे थे। एक बार फिर से विश्वकर्मा चौक पर तीनों साथी जो हैं बाइक पर सवार होकर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही टीम को सूचना मिली तो टीम ने मौके पर जाकर तीनों आरोपियों को दबोच लिया, जिसमें से दो आरोपी ससोली माजरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और एक आरोपी जो है विष्णु नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच करने में जुट चुकी है। जी हाँ, आरोपियों से पूछताछ जारी है कि इसमें और कौन कौन से साथी शामिल हैं। अभी फिलहाल जो है तीन मामलों का जो है खुलासा सामने आया है, अभी आगे शायद और भी मामलों का खुलासा निकल कर सामने आ सकता है। तो आप देख सकते हैं पुलिस लगातार कार्यवाही करने में जुट चुकी है। तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इस समय की बड़ी अपडेट सीआईए वन से आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। सभी से अपील करेंगे इस खबर को शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ सीआईए वन से मनदीप कर की रिपोर्ट।